दोस्तों, मनुष्य अपने विकास के लिए जंगलों की लगातार कटाई कर रहा है और जंगल में रहने वाले जानवरों की प्रजातियां खत्म हो रही है। कुछ जलवायु के कारण अलोप हो चुकी है, कुछ प्रजातियां अलोप होने की कगार पर है। आज हम अलोप हो चुकी इन प्रजातियों के बारे में जानेंगे। इनों ग्रह पर सबसे ज़्यादा शिकार किए जाने वाले जानवरों में से एक है। इनके सींग चीनी चिकित्सा में उपयोग किए जाते हैं। एक जावन राइनो काला बाजार में 30,000 अमेरिकी डॉलर प्रति किलोग्राम तक बिक सकता है। 2022 में राइनो की 5 प्रजातियों में से 3 प्रजातियां लुप्त हो चुकी हैं। जावन राइनो की प्रजाति लुप्त होने की कगार पर है। केवल 60 ही राइनो बचे हैं, जो सभी इंडोनेशिया के उजंग क्लोन नेशनल पार्क में मौजूद है। सुंडा टाइगर सभी बड़ी बिल्लियों में बाघ विलुप्त होने से सबसे करीब है। जंगल में केवल 3900 से कम टाइगर बचे हैं। वह अपनी ऐतिहासिक सीमा के केवल 4% मौजूद है। सुंडा टाइगर विशेष रूप से कमजोर होते हैं, जंगलों की लगातार कटाई और शिकार के कारण विलुप्त हो सकते हैं। टाइगर संरक्षण में बड़े हुए प्रयासों के बावजूद कानून प्रवर्तन और अवैध शिकार विरोधी क्षमता को मजबूत करने के लिए एशिया के अन्य हिस्सों में बाघों के लिए और अंगों और उत्पादों के लिए एक बाजार बना हुआ है। टर्टल समुद्री कछुए की 2 प्रजातियां लाल सूची में गंभीर रूप से संकटग्रस्त है। हक्सबिल कछुए और कैंप्स रिडले कछुए, इनकी आबादी तेजी से कम हो रही है। कई उप जनसंख्या विलुप्त होने का सामना कर रही है। शिकारियों ने उनके अंडे, गोले, मांस और त्वचा को निशाना बनाया है। रेत का तापमान अंडे के साथ गर्म तापमान में मादा के रूप में विकसित होने के साथ हैचलिंग के लिंग की निर्धारित करता है। इसका मतलब है कि तापमान में मामूली बदलाव भी इनकी आबादी के लिंग अनुपात को कम कर सकता है। ओरंगटान 2 प्रकार के संतरे बोर्नियन और सुमप्रान ओरंगटान दोनों की आबादी में तेज गिरावट का अनुभव किया है। इन्हें मुख्य रूप से ताड़ के तेल के लिए मानव कारण, वनों की कटाई से वास स्थान के लिए नुकसान का खतरा।